क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर पैरामैग्नेटिक, ठीक है। इस टाइप को जो है कुछ क्वेश्चन जो है इस पर बेस्ड है। तो फर्स्ट एग्जांपल्स के लिए क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन गिवेन एज, सपोज दैट Cu प्लस 3 चार क्रोमियम एंड कॉपर, कॉपर 2 एंड क्रोमियम प्लस 3, ठीक है। इसमें हमको बताना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट एटॉमिक नंबर आपको लर्न होना चाहिए एलिमेंट्स का, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एस पी डी एफ। सो फर्स्ट कॉपर 29 एटॉमिक नंबर हो गया बेटा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। तो अब देखो काउंटिंग कर लो बेटा, ये आपका एक्सपेंशन के रूप में अपवाद जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, एंड यह जो हमारा 9 होना चाहिए था ये आपका 10 होगा। इसको बिल्कुल लर्न करना है, कॉपर एंड क्रोमियम। अब हमें क्या करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। कॉपर प्लस 2 चार्ज में है, प्लस 2 चार्ज दैट मीन्स दैट 4s एंड 3d में हम पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरते हैं। अफवाह के अकॉर्डिंग बेटा याद किए होंगे सीक्वेंस, 1s, 2s, 2p एंड सो ऑन, आपको मिला होगा आगे 4s एंड 3d आपका कंसेप्ट रहा होगा, इस बेस पर इसको लिखा गया है, ठीक है। तो अब जो 2 चार्ज यहाँ से है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया बेटा, तो 1 आपका बस शेष बचा रिमेनिंग पार्ट, तो यहाँ से 1 हो गया, इसका मतलब हो गया 4s0 3d9। तो 1 ईयर एंड 1 ईयर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव। अब देखो बेटा इसका 0 पार्ट कोई मीनिंग नहीं है। अब यहाँ देखो डी के 5 पार्ट है, तो 5 बॉक्स आप बना लो बेटा, 1, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 9 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो 1 क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है यही आपका क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसी पॉइंट को हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1, ठीक है। इसी टाइप का सबको हम बता सकते, क्रोमियम का भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यही कंसेप्ट अदर क्वेश्चन में बन सकता है, विच इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक क्या है, डायमैग्नेटिक क्या है, इसी क्वेश्चन के आंसर में जो है हम आपको ये भी बता दें, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक क्या कंसेप्ट है, पैरामैग्नेटिक क्या कंसेप्ट बनेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके होंगे वो क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड होना चाहिए। इस पूरे बॉक्स में देखो बेटा एक इलेक्ट्रॉन जो है ये ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसे आयंस या मालिक आइटम्स जो है उनको हम कहते हैं पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इस केस में जो है Cu कॉपर प्लस 2 चार्ज क्या है, पैरा मैग्नेटिक भी है, क्यों, बिकॉज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा तब पर भी पैरामैग्नेट होगा, 2 हो या 3 हो तब पर भी वो पैरामैग्नेटिक ही होगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट में अप्लाई कर लीजिएगा, ऐसे समझ में, तो इसी बेस पर आपको करना है। पिछले लेक्चर्स में भी हमने इस चीज़ को बताया है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो इस पर एरर दे रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा, तो हमने क्या किया, पुनः अगेंस्ट इसको रिपीट किया, ठीक है। अगेंस्ट फर्स्ट जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूज इस अफवाह प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बना लो, ये सीक्वेंस आपको लर्न होना चाहिए, 1s, 2s, 2p, उसके बाद 3s, 3p, ठीक है, एंड 3d, 4s, लेकिन सीक्वेंस क्या है, 3d बाद में मिलेगा, 4s पहले मिलेगा। तो इस सीक्वेंस को आपको लर्न कर लो बेटा।
अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा उसी की करस्पॉन्डिंग या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तुम्हारे बेटे कॉपर 29 का है तो आप फिल करते जाओ, ठीक। तो लास्ट का जो पार्ट होता है 4s एंड 3d का, यही मेन कंसेप्ट का है, इसमें इलेक्ट्रॉन सही रखो, ठीक है, उसके साथ इसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब चार्ज जो आयन है, पहले हम एटम का लिख लेते हैं, उसके बाद जितना चार्ज है, जैसे 4s होगा तब 3d होता है, तो 4s इलेक्ट्रॉन काउंटिंग कर लो, यहाँ 1, यहाँ से भी 2 चार्ज हो गया तो 2 माइनस कर दो, तो अब क्या हो गया, अब इसका बॉक्स बना के इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, दैट मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यही कंसेप्ट क्या होता है, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। सपोज दैट कि ऑल इलेक्ट्रॉन आर फुल फिल, यानी ये सपोज करो कि आप जो है जो इलेक्ट्रॉन पी सबशेल का है कि सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, फुल फिल है, कंप्लीट उससे क्या है, भरे हुए हैं, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 0 होगा, कोई नहीं होगा, बट ये कंसेप्ट क्या होगा, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा, है समझ में। तो ऐसे आयन हो या एटम हो, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, दैट मीन्स डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। इफ एनी वन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कम्स, कोई भी एक हो, तो क्या होगा, पैरामैग्नेट होगा, और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गया। इस तरह से क्रोमियम फाइड्रेट से अदर भी एग्जाम्पल आपको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट है आपका, आपको बताना है मोल सेकेंड विच इज मोस्ट पैरामैग्नेटिक नेटिक सब्सटेंस, कौन सा सबसे होगा। चलिए अभी एक एग्जाम्पल समझ लिया, ZN प्लस 2 चार्ज एंड CU प्लस 1 चार्ज, प्लस 2 चार्ज कंसीडर करो, ठीक है। तो ZN एटॉमिक नंबर 30, तो 30 है तो बेटा ZN का 30 एटॉमिक नंबर है, इसका आउटर से जो लास्ट होगा ये आपका कंसेप्ट आपको मिलेगा, ठीक। तो 2 चार्ज है इसमें, 2 चार्ज यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट हो गया 0 एंड 3d 10, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मीन्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें जो है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, ठीक है। है समझ में बेटा, देखो जिंक एटम का पहले लिख दो, ये आपका कंप्लीट 30 तक हो जाएगा, इसके पहले आप लिखो तभी सही है, नहीं लिखो तभी सही है, ये लास्ट वाला सही आपका रहना चाहिए। तो बेटा अब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, आयन के फॉर्म पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो यहीं से हम 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे, तो 0 हो गया, ये आपका 10 बचा, 10 इलेक्ट्रॉन ने ऐड कर दिया, ठीक है। तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 0, विच इज क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, ठीक। अगेंस्ट CU प्लस 2 चार्ज, फर्स्ट 29, 3d 4s 1 10, ठीक है। 2 चार्ज रिमूव, दैट मीन्स कॉपर प्लस 2 फॉर्म, तो 1 इलेक्ट्रॉन हियर एंड 1 इलेक्ट्रॉन हियर, दैट मीन्स 3d 9। तो बेटा इसमें क्या बॉक्स, 1 2 3 4 5, 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या, 1 हो गया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1, तो मोस्ट पैरामैग्नेटिक क्या, कौन सा हो गया, दिस हुआ या जिंक, जिंक आयन में क्या मिला हमको, सभी डायमैग्नेटिक थे, कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं था, ठीक है। उसके बाद ये इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दैट मीन्स CU प्लस 2 इज मोस्ट पैरा
मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसी टाइप से अदर भी क्वेश्चन होंगे, इस पर आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसके लिए अदर प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स।